प्रणाम करती हूँ सासू माँ, इस प्रणाम को स्वीकार कीजिए सासू माँ। झुक झुक जियो बेटी, कहिए आज ये तेरी सासू माँ तुझा भगन को एक आशीर्वाद देने के लायक भी नहीं। ये कैसी बात ही कर रही हूँ? बात ही कुछ ऐसी है मेरे लाडो। अरे मेरे पास आप चल के आई हो, मुझसे पहले हर चीज पे आपका हक बनता है, कहिए कैसे आना हुआ? बेटी लाजवंती बहू, आज मैं तेरे सामने एक अरदास लेकर के आई हूँ जिससे मेरी नहीं मेरे युगो युगो की, जिसके नाम से तुम्हारे ससुर को जाना जाता है, दानवीर मोरध्वज कहा जाता है, आज मैं तुमसे कुछ दान में मांगने के लिए आई हूँ। दान मांगने आई हो? लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ है नहीं सासु। तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज हमारे पास है हमारे से ज्यादा हक तेरा बढ़ता है। मेरे पास जो चीज है उस पे हक मेरा ज्यादा बनता है। दरवाजे पर दो साधु आए हैं। साधु आए हैं? हाँ। फिर एक शेर साथ में लेकर के आए हैं। अच्छा, और साधुओं ने ये शर्त लगा दी तुम्हारे ससुर के सामने कि हमारा जो शेर है कई रोज का भूखा है। हाँ। और वो भोजन खाने का इच्छुक है। भोजन? हाँ, हाँ। साधु आए हैं जी, तो घबराने की क्या बात है, किसी चीज की कमी थोड़ी है। अरे जाइए उन साधुओं को भी भोजन करवाइए और उनके शेर का भी भोजन, आप कुछ भी ला के दे सकते हैं। बेटी बहू भंडार भरे हुए हैं आपके। बात ये नहीं है तो धरती तब फट गई जब उन साधुओं ने वचनों के अंदर तुम्हारे ससुर से तुम्हारे पति को मांग लिया और ये कह दिया क्या कि तुम अपने बेटे को राजा रानी खुद दोनों अपने बेटे को दो भागों में बांट करके हमारे शेर को जिमाना होगा। ये कैसी बातें कर रही हो? बेटी मैं सच कह रही हूँ। अरे मेरे पति को दान में मांगने के लिए आई हो, एक बार सोच तो लीजिए, अभी नई नई शादी हुई है, अरे हाथों की मेहंदी नहीं छुटी, मेरे हाथ का कंगना नहीं खुला, और आप मुझे विधवा बनाने के लिए आई हो, मैं आपका इन वचनों में साथ नहीं दे सकती। बेटी केवल इतना सा एहसान कर दे। नहीं कर सकती। कुछ कहना चाहती हूँ? सुनिए मेरी बात। कहिए। सुनिए। चाहते को ना फिर ना दौलत जागीर माने के शेर ने। हाँ? शेर ने क्या शेर ने जीवा माने खातर मेरे बेटे का जागीर माने। I'm
राजी हो के राजी हो कशीर खावे बकरा लिया के डाल दो इतने पे भी साधु फिरे से फकीर शीर के क्या थे मरवाले कर ले मेरी जो नर का मांस खाया करता है उसके सामने कभी किसी जानवर को नहीं घेर सकते। उन्होंने यह शर्त लगा दी थी कि राजा रानी खुद मिलकर के दोनों अपने बेटे की दो भाग करोगे और फिर हमारे शेर को जिमाओगे। और रही बात धक्का लगाने की, घरे आए तो दुश्मन को भी धक्का नहीं दिया जाता, वे तो साधु संत फकीर आदमी। अच्छा हा, हा, हा। ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे ससुर बहुत बड़े दानवीर हैं, एक बार वचन दे देते हैं तो वापस लौटाते नहीं हैं। अरे मैं भी जानती हूँ कि वचन तो दे चुके हैं, क्या वो वचन वापस नहीं लौटाए जा सकते? वापस नहीं हो सकते। अरे एक बार सोच के देखिए, सब कुछ वापस हो जाता है सासू माँ। एक बार बेटा चला गया तो वापस नहीं आने का, उन साधुओं का कुछ नहीं बिगड़ने का। अरे आप एक औरत है, एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। आप ही जान सकती हो कि मेरा बिना पति के कैसे इस संसार में जीना हो सकता है। मैं आपको समझा रही हूँ, उन साधुओं को वापस लौटा दीजिए। सुनिए मेरी बात, कहिए। धर्म नाट गाया करते, घर आए के घर आए घर आए साधु संतों ने के धक्का ना लगाया करते, घर आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करते। हाथों की मेरे हाथों की मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी, दिल में करके ख्याल थी किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ। वो घर में बैठी बहू यो जवान शान लगे Yeah!
मांगनी का कोई शब्द समझ में आया होगा, कोई लाइन अच्छी लगी होगी। चाचा श्री विजय जी, कई सौ रुपए पहले 50 रुपए और दोनों कलाकारों को दे रहे हैं, मान सम्मान करते हैं पूरी टीम का। चाहूंगा कि मैं आपकी तरफ से जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। सुनो, दो कली आपके बीच में शेष रही, यदि अच्छी लगे और समझ में आ रही हो तो मैं दोनों कलाकारों के लिए जोरदार ताली चाहूंगा, जोरदार ताली। बहुत अच्छी। नंबर तीन में क्या लिखा वाला? शाबाश। एक बात मैं तुझसे पूछनी चाहती हूँ, एक बात मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ। कहिए। कि एक तरफ तो तुम्हारा पति है, एक तरफ तो तुम्हारा पति है और एक तरफ तुम्हारी सास है। चाहे आप मुझे अपनी जगह मान लो या अपने ससुर को अपनी जगह मान लो, एक तरफ तुम्हारी सास है, एक तरफ तुम्हारा पति है। यदि मैं ये कहूं कि दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो क्या करोगी बेटी? हे सासू माँ, मैं चुन तो दोनों को सकती हूँ और एक को भी गवारा नहीं कर सकती, लेकिन सासू माँ, अगर वो मांस अगर मेरे पति का ही खाना चाहता है, वो शेर तो मेरे पति का मांस क्यों? अरे मैं बताऊंगी कि उस शेर के आगे किसका मांस डलना चाहिए। उस शेर की भूख भी मिटेगी और उसको नर का मांस भी मिलेगा, लेकिन जिसका मैं कहूँ क्या उसका मांस आप खिला सकते हो? हाँ बेटी, मैं खिला दूंगा। मैं बताऊंगी। अच्छा, जिसका मांस कहूँ उसका उसके सामने ला के डालना होगा। अच्छा हाँ, सुन मेरी बात। वचन दिए है ना, वचन मैं पूरे करवाऊंगी। कहिए अपनी बात। धर्म का सवाल की 9 महीने तक, क्या 9 महीने तक? हाँ? 9 महीने तक कर क्या गर्भ में तुझसे प्यार लाल, 9 महीने तक कर क्या गर्भ में तुझसे प्यार लाल। इस बेटी ने मरवाना चाहती छूटा तेरा प्यार दी। उस शेर ने जमावे क्यों ना तेरे भी भर तार दी। Thank you.
आज ने बिगाड़ दिए धरती का क्या धरती का सने धरती का ही लाया पर्दा बहु चार पाने धरती का ही लाया पर्दा बहु चार पाने दिए सुर का और सुर का सुरैया पूरण ना दुश्मन पे खैरे कर हरे राम बैस ले पे पज रंग मेहर कर या की उमर घणी ना हका श्री। सबसे पहले आपके श्री चरणों में आपकी इस लाजवंती का इस बहू का प्रणाम करती हूँ सासू माँ। आइए, आपसे पहले सासू माँ आई लेकिन मैंने उन्हें वापस भेज दिया। अब पिताश्री आए हैं, शायद मेरी बात उन्हें समझ में आ गई है। क्या वो साधु दरवाजे से वापस चले गए? ऐसा नहीं हो सकता मेरी बेटी, क्योंकि आज तेरे ससुर बेबस लाचार मजबूर होकर के तेरे पास में आया है और तुझसे कुछ मांगने की आशा और उम्मीद लेकर के मैं आया हूँ मेरी लाडो। कहिए पिताश्री। मेरी झोली भर दे। आज ऐसी विपत्ति की समय ये विनग्ना मेरे सामने है जिसको देख करके पत्थर का कलेजा फट सकता है लेकिन राजा मोरध्वज का कलेजा नहीं फट सकता। दुख भी है पश्चाताप भी है लेकिन मेरी लाडो मजबूर भी होगी। सुनिए मेरी बात। कहिए पिताश्री। सुनिए। आज तेरे पाया मैं धरू ताज ने। नहीं पिताश्री नहीं, ये ताज तो आपके सर की शोभा है पिताश्री। मेरी बेटी रख दे आज लाज ने। नहीं पिताश्री, आज रात दे मेरी लाज से। Let's go.
होता क्या है बरकत जी, जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस बरकत जी, जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस बरकत जी, जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस बरकत जी, स्वर्ग बरोबर घर में तेरे, स्वर्ग बरोबर घर में तेरे, स्वर्ग बरोबर घर में तेरे, मैंने तेरी अमृत जैसी, अमृत जैसी जिंदगानी में जहर मिला बने आया बेटी, भरा हुआ यो भरा हुआ सिंदूर मांगेगा नहीं, आज मिला बने आया बेटी, भरा हुआ सिंदूर मांगू दान पति का कर दे, मांगू दान पति का कर दे, मेरे आगे झोली भर दे, मांगू दान पति का कर दे, मेरे आगे झोली भर दे, बिना सा सवाल नहीं भूलूंगा, और अगर तूने मना कर दिया तो आज तुम्हारा ये ससुर मोर ध्वज तुम्हारी चौखट में जान दे देगा, लेकिन वचन हार जीते जी नहीं हो सकता। पिताश्री कैसी बातें करते हो, अरे मेरी नई नई शादी हुई है, अरे मैं भी जानती हूँ कि मेरे पिता राजा मोर ध्वज बहुत बड़े सत्धारी हैं, लेकिन क्या मेरी तरफ आपको एक नजर नहीं उठती, क्या मेरी तरफ आपका कोई फर्ज नहीं बनता, अरे एक बार तो देखिए पिताश्री मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छुटी, हाथ का कंगना नहीं खुला, नई नई शादी हुई है और मेरे पति का दान मांगने के लिए आ गए हो, कैसे दान दे दूं, लेकिन मैं भी जानती हूँ आप मेरे पास आए हो कुछ उम्मीद करके आए हो, मैं आपको लौटाने वाली नहीं, जो मुझसे बनेगा मैं जरूर दूंगी पिताश्री। राजा मोर ध्वज की ये रागनी आपके बीच में चल रही है, दूसरी कली कहने के लिए जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे बड़े बुजुर्गों की आंखों में भाव आ रहे हैं, और दो चार बड़े बुजुर्ग भी आंखों में पानी लेकर के आ रहे हैं, सत्य धर्म की गाथा है, अच्छी लग रही हो, आनंद आ रही हो तो जोरदार ताली चाहूंगा, जोरदार ताली कह दे मेरी लाड़ी। से होया करता हक अपनी औलाद में, पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, मात पिता से ज्यादा बेटी, मात पिता से ज्यादा बेटी, पत्नी का अधिकार है हो से, सती वीर तो जती मर्द के जड़ में दावेदार हो से, प्राण पति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से, प्राण
मेरे जान से ज्यादा आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा ओ जिसके ओ जिसके सारे पहले कहा था कि या तो हाँ कर दे या ना कर दे, बोल तेरे पास क्या जवाब है पिताश्री। हाँ, हाँ, हाँ। जो इंसान सत के धर्म पर चलने वाले होते हैं वो कभी पीछे कदम नहीं हटाया करते। एक कहावत भी कही है पिताश्री कि सदा कुल रीत चली आई, कि सदा कुल रीत चली आई। हाँ। और प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपने वचन दिए हैं तो मैं आपकी बेटी आपके वचन जरूर पूरे करवाऊंगी, चाहे मेरे पास कुछ बचो या ना बचो। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे माँ और पिता ने कहा कि बेटी आज से ये घर तेरे लिए बाद में है और ससुराल सबसे पहले है। जिस दिन मैंने इस घर के अंदर कदम रख दिया उसी दिन से मैंने इस घर को अपना सब कुछ मान लिया। पिताश्री मेरे लिए सबसे पहले आपके वचन आपका धर्म है, आपके वचनों का पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है। आपके वचनों को पूरा करवाऊंगी, पीछे नहीं हटूंगी। कहिए सुनिए मेरी बात। अच्छे खानदान में थारे लिए, अरे थारे लिए, अरे थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान। अरे थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान। प्राण प्रतिज्ञा करके बेटी, प्राण प्रतिज्ञा करके बेटी, कुल की लाज बचा के बेटी। जिंदगी भरना, जिंदगी भरना, जिंदगी भर ना भूलू सर पे यो ऐसा चढ़ा दे बेटी। धीर धवज ने, धीर धवज ने ये गाल भेद में भूखा शेर जी मारा दे। धीर धवज ने गाल होन हर बलवान बताई मानस की के पार बसाई। होन हर बलवान बताई मेरे मानस की के पार बसाई। यो गर्दिश का श्री लाडो। मैं आपको अपने पति का दान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक काम करना होगा आपको। काम? अगर वो शेर, अगर वो शेर मेरे पति के मांस से नहीं छिका, अच्छा, अगर वो संतों का शेर मेरे पति के मांस से अगर भूखा भी रह जाए, हाँ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपकी बेटी लाज हरकी उस शेर का भोजन बनने के लिए तैयार है। अगर वो शेर भूखा
और लास्ट कली आपके बीच में है। तीन कली अच्छी लगी हो तो चौथी कली सुनने के बाद में इस वीर गाथा पे ताली चाहूंगा रागनी के अंतिम समय पे। क्या सुनिए मेरी बात। थारे अर्पण किया पति अपना फर्ज निभाना से संतों वाला कई रोज का भूखा शेर जी माना से मेरे पति ते वो मेरे पति से हा? मेरे पति से नहीं जी कहता तो मेरा मांस खवाना से तुमसे भर करे कम सारी इंद्रपाल जोड़ी ये ईश्वर के लिए अद्भुत आया भेद किसे ने कोन्या पाया ये ईश्वर के लिए अद्भुत आया भेद किसे ने कोन्या पाया हुआ है। सोचिए जिस माँ ने 9 महीना गर्भ के अंदर अगर बेटे को रखा है इकलौता बेटा उन्हीं हाथों से चीरना पड़े तो कैसा मंजर है। आइए पहली गली में कैसे चीरते हैं के बताया लगा के आरा सुख पटे और चाले को ना चाले को ना हाथ काप के रानी का हिल गया हिया चाले को ना हाथ काप के रानी का हिल गया हिया 9 महीने तक किसी चीज की किसी चीज की किसी चीज की
कोई स्वर समझ में आया होगा, कोई लाइन अच्छी लगी होगी। परम आदरणीय मेरे दादाजी श्री राजेंद्र जी झाड़ोदा, वो भी स्वर पे हम दोनों कलाकारों को इस रागनी पे खुश होकर के दे रहे हैं जोरदार ताली। चाहूंगा आपकी तरफ से जोरदार ताली। आइए दूसरी कली में ताली खेवाला। हाँ जी बाप की तरफ आरा खींच रहा है। इधर जो बीच में बैठा था बेटा धीरज जब समझाने लगा कि मेरे माताजी हे मेरे पिताश्री, ऐसा मौका जीवन में मिलने वाला नहीं है, ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं मिला करता, आखिर सोचते क्या हो, अपने बेटे के सर को धड़ को धड़ से अलग कर दीजिए। नंबर दो में लिखा क्या लिखा वाला चक्कर में पड़ के मत ना जाना बाजी हारे। ऐसा मौका है, ऐसा मौका मिलता तो ना कानवीर ने पार रखवारे। ऐसा मौका मिलता तो ना कानवीर ने पार रखवारे। वचनों खतरे वचनों खातर सरे दे देना, ये तो मैनु छंद जड़े। ऋषि ददीची हरिश्चंद के ना तुमने इतिहास पढ़े। कर सत्कार चमार जो भोजन भूखे द्वार संदे। और नहीं आत्मा तड़प शेर की, और नहीं आत्मा तड़प शेर की, भूखा रहा बाहर घर की। वो दाएं हो ना वो बाएं हो, कहने लगे मोरध्वज, अरे वाही के तूने मेरे साथ छल किया है। मैंने पहले ही कहा था कि सारे के अंदर इतनी तेज धार लगा देना जो बेटे के तन पर रखते के साथ ही उसे दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। प्रेमी सजनों, वो आरा धड़ में बीच में अटक जाता है, कैसे खूनों की फुहार छूटने लगती है, बेटा तड़पने लगता है, उस बेटे का जी भटकने लगता है। तीसरी बात में क्या लिखा के बताया, बच
खूनों की, अरे खूनों की, ये तो खूनों की फुहार छुट्टी, धरती हो गई लाल लाल, दिशाओं के दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया खुद हवाले, दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया हर हवाड़ी का वो बटिका पुराना आरा हाँ। आटा के में अति गैर था, नाजुक था, नाजुक था शरीर कवर का हाँ। जी छोरे का बट गैर था हाँ। निराला निराला था सीने लोगों कारजे में थके हुए था, दानवीर गुण राजा के गाने लगे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों में बरसाने लगे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर फूलों में बरसाने लगे। बात अच्छी हो, सच्ची हो, लिखने वाले कवि ने सही लिखा हो तो सुनने के बाद मैं ताली चाहूंगा। भाई दानवीर पोते देखे, दानवीर पोते देखे, पर ना ऐसा दान देखा,